आज तुम्हें हर ताल का तीज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें हर ताल का तीज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको हरतालिका तीज की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज का व्रत विशेष तौर पर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। कहते हैं यदि इस व्रत को कुंवारी कन्या करती है तो उन्हें मनवांछित जीवन साथी मिलता है, और जो सुहागिन महिलाएं व्रत करें तो पति की दीर्घायु होती है। प्रिय भक्तों, इस व्रत में माता पार्वती, श्री गणेश और भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। तो आइए भक्तों, पहले जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत विधि। स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः काल उठ जाए, स्वच्छ वस्त्र कर धारण, माटी का शिवलिंग बनाए, पूजा घर में एक चौकी भी स्थापित करनी है, जिसके ऊपर शिव गौरा की प्रतिमा रखनी है, हाथ में जल और पुष्प लेके फिर संकल्प व्रत का लेना, करे प्रार्थना व्रत आप मेरा शुभ पूरा कर देना। सबसे पहले शिवलिंग को ही जलाभिषेक करें, मन में माता पार्वती और शिव का नाम सुमिरे, विधि विधान से पूजा करके आरती गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, कहते हैं हरतालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर संभव हो तो माटी का शिवलिंग बनाना चाहिए, यदि नहीं तो शिव गौरा की प्रतिमा स्थापित करके सबसे पहले भगवान शिव और माँ पार्वती को जलाभिषेक करें, फिर पंचामृत से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अभिषेक करें, इसके पश्चात भोलेनाथ को चंदन से एवं माँ पार्वती को कुमकुम से तिलक लगाएं, तथा भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, आक के पुष्प और धतूरा चढ़ाएं, इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती को चावल अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ को गमछा और धोती पहनाएं, यों माता पार्वती को चुनरी व सुहाग की सामग्री अर्पित करें। पूजा के पश्चात हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़ें या सुने, और भगवान शिव और माता पार्वती की कपूर से आरती उतारें और पूरा दिन निर्जल व्रत रहें। निर्जल रह कर ही इस व्रत का करना पालन है, और रात्रि में शिव गौरा का करना जागरण है, जिसमें माता पार्वती और शिव के भजन गाए, ज्योत अखंडित इनके सामने सारी रात जगाए, प्रातः करके फिर से आरती कर प्रसाद वितरण, स्नान आदि और पूजा पाठ कर करना व्रत का पारण,
यथा संभव निर्धन को हाथ से करना चाहिए दान। सौभाग्यवती होने का देते हैं शुभ वरदान, और कन्याओं को मन चाहे वर मिल जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, हरतालिका तीज व्रत को विधि पूर्वक करने से अवश्य ही कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है, तथा विवाहित महिलाओं को सदा सुहागन रहने का वर मिलता है। ऐसा स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती को वचन दिया था, क्योंकि माता पार्वती ने सर्वप्रथम इसी व्रत को किया था, जो कि हरतालिका तीज की व्रत कथा में भी वर्णित है। प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज व्रत में इसी कथा को पढ़ा या सुना जाता है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई थी, वही कथा हरतालिका तीज व्रत के दिन सुनने या पढ़ने का विधान है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया है, पिछला जन्म सती का उनको याद दिलाया है। पिता की आज्ञा करके उल्लंघन मुझसे विवाह किया था, सहमत नहीं थे दक्ष प्रजापति, आपने निर्णय लिया था। उनके प्रति पर मेरे मन में था पूरा सम्मान, किंतु उन्होंने एक यज्ञ में किया मेरा अपमान। सहन मेरा अपमान आप ना देवी कर पाई, हवन कुंड में कूद गई और अपनी जान गवाई। हो गया वैसा जैसा कदापि हम ना चाहते थे, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को पिछला जन्म याद दिलाते हुए कहा कि जब आपने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो हमने क्रोधित होकर वीरभद्र द्वारा आपके पिता का यज्ञ विध्वंस करवा दिया, और वीरभद्र ने आपके पिता दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग कर दिया। तब हम आपकी जलती हुई काया को लेकर तांडव करने लगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के कहने पर विष्णु जी ने सुदर्शन छोड़कर आपके अंगों को इधर उधर बिखरा दिया। विष्णु जी के कहने पर हमारा क्रोध शांत हुआ, और आपके पिता दक्ष को क्षमा करते हुए उन्हें यज्ञ पशु बकरे का शीश लगा दिया, और स्वयं बैरागी होकर कैलाश पर चले गए। हम कैलाश पे आ गए, देवी बैठे लगा समाधि, बिना आपके देवी हम तो हो गए थे बैरागी। राजा हिमालय के घर आपने फिर ये जन्म लिया, पर्वत की पुत्री हो पार्वती है नाम दिया। तीन लोक में चर्चा हिमालय पुत्री बड़ी महान, अल्पायु में अर्जित कर लिया आपने सारा ज्ञान। आठ वर्ष की आयु आपकी देवी हो गई है, आपके पिता हिमालय को फिर विवाह की चिंता हुई है। उत्तम वर कोई पिता आपके चुनना चाहते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके जन्म की एक एक घटना याद करते हुए कहा कि हे देवी, आप जन्म से ही बड़ी अलौकिक थी। जहां बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में आप में सभी वेद और पुराणों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। अब आपके पिता आपका विवाह करना चाहते थे, तो मुनि नारद आपके पिता के पास पधारे। जब आपके पिता ने आपके लिए उत्तम वर के बारे में पूछा, तो उन्होंने विष्णु जी का नाम सुझाया, तो आपके पिता को उचित लगा। मुनि नारद के कहने पर ही आपके पिता ने विष्णु जी के पास आपका विवाह संदेशा भेज दिया। विष्णु जी को विवाह संदेशा देवी जब मिला है, स्वीकार विष्णु जी ने तत्काल ही कर लिया है। जो ही आप तक पहुंचाई है सखियों ने ये बात, लगा है आपके मन में देवी बड़ा ही गहरा घात। क्योंकि पति रूप में आपने सदा ही हमको देखा, आपके पिता हिमालय को इस बात का पता न था। इसलिए विवाह संदेशा विष्णु जी को भिजवाया था, आपके पिता का निर्णय पसंद ना आपको आया था। सखी आपकी समझाती है, आपकी बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, भोलेनाथ कहने लगे कि जब आपकी सखी बहुत ही समझदार थी, उसने कहा कि संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है। जिसका मन से पति रूप में वरण कर लिया, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करें। आपकी सखी आपके मन की दुविधा को जानकर आपको गुप्त रूप से हिमालय पर्वत पर स्थित गंगा के तट पर एक वन में लेकर आ गई, जहां आपने अधोमुखी होकर घोर तपस्या की। इस अवधि में आपने अन्न ना खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर जीवन व्यतीत किया, एवं अनेकों वर्ष आपने सिर्फ वायु पीकर ही मेरी तपस्या की थी। माघ मास की शीतलता की भी परवाह न की है, जल में रहकर आपने मेरी घोर तपस्या की है। और बैसाख की भी सर्द गर्मी का जो समय आया, इस काया को पंचाग्नि में आपने खूब तपाया। श्रावण मास में होती है जब बरसा मूसलधार, खुले अंबर के नीचे आपने तप किया था लगातार। आपके पिता को ज्ञात हुआ ना लुप्त हो गई आप, सोच रहे जो विष्णु जी लेकर आ गए बारा। क्या उत्तर देंगे उनको चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। ये व्रत है बड़ा ही पावन, महिला हो सदा सुहागन। प्रिय भक्त जनों, भगवान भोलेनाथ कहने लगे,
कि आपके पिता हिमालय को जब पता चला कि आप किसी गुप्त स्थान पर जाकर तपस्या में लीन हो गई, तो वो बड़े ही चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि अब विष्णु जी को क्या उत्तर देंगे। इधर आपने 12 वर्षों तक हमारी बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसमें अनेकों वर्ष आपने सूखे पत्ते खाकर जीवन व्यतीत किया, तब भी हम प्रसन्न नहीं हुए। फिर एक बार आपने एक गुफा में एक रेत का शिवलिंग बनाया और निर्जल रहकर हमारी साधना शुरू कर दी। जिस दिन आपने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया था और निर्जल रहकर व्रत करने शुरू किए थे, वो भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। निर्जल रहकर देवी व्रत जो आपने शुरू किया है, आपके तप से सिंहासन मेरा भी हिल गया है। फिर तो दर्शन देने के लिए स्वयं पड़ा मुझे आना, आपके पिता ने भी आपके मन की बात को जाना। बंधु बांधों को लेकर वो वन में आते हैं और आपकी बात को भी वो मान ही जाते हैं। आपको लेकर अपने महल में फिर वो चले आए, कहने लगे कि भोलेनाथ से तेरा ब्याह रचाए। विवाह संदेशा फिर कैलाश पे वो भिजवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे देवी, जब आपने सूखे पत्ते भी खाना छोड़कर रेत के शिवलिंग का निर्माण करके निर्जल रहकर व्रत करने शुरू किए, तो वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। आपकी सखी आपका हरण करके तपस्या के लिए आपको वन में लाई थी, इसलिए इस तृतीया का नाम हरतालिका तृतीया या हरतालिका तीज पड़ गया। और इसी व्रत से प्रसन्न होकर हम जब आपको दर्शन देने आए, तो आपने कहा कि जिस प्रकार आपको हरतालिका तीज व्रत के फल स्वरूप मनवांछित वर मिला है, उसी प्रकार जो भी निर्जल रहकर हरतालिका तीज का व्रत करे, उस कन्या को मनवांछित वर की प्राप्ति हो। यमम सुहागिन महिलाओं का सुहाग सदैव ही बना रहे, जिसका हमने वचन दे दिया। भोलेनाथ ने स्वयं वचन ये माता को दिया है, जिसने भी निर्जल रह कर ये भक्तों व्रत किया है। कन्याओं को होती है मन वांछित वर की प्राप्ति, महिलाएं रह सदा सुहागन व्रत में इतनी शक्ति। विधि विधान और श्रद्धा भाव से व्रत जो करती है, भोलेनाथ और पार्वती का नाम सुमिरती है। दीर्घायु होती है पति की विवाहित जो महिलाएं, मन वांछित वर प्राप्ति के लिए करती है कन्याएं। सफल मनोरथ इस व्रत से सारे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, ये स्वयं माता पार्वती को भोलेनाथ ने वचन दिया था कि जो भी कन्याएं व्रत को करेंगी, उन्हें माता पार्वती के जैसे ही मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। और यदि महिलाएं व्रत करेंगी, तो उनके पति की दीर्घायु होगी।
वह कदापि अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। प्रिय भक्तों, कथा में हमने सर्वप्रथम व्रत विधि का बखान कर दिया। इस व्रत में सर्वप्रथम रेत के शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। वह पूरा दिन और रात निर्जल रहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का सिमरन करना होता है। हरतालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं का शयन निषेध होता है। पूरी रात माता पार्वती तथा शिव के भजनों में बितानी होती है और प्रातः काल व्रत पारण के पश्चात रेत से निर्मित शिवलिंग को जल में प्रवाहित करके उचित दान दक्षिणा एवं सुहागिन महिला को श्रृंगार का सारा सामान दान करके ही भोजन किया जाता है। प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज व्रत के दिन इसी कथा का श्रवण करना चाहिए जिसको हमने विस्तार से बताने की चेष्टा की है। पावन कथा यही भक्तों हरतालिका तीज व्रत की है। भोलेनाथ ने माँ गौरा को एक दिन स्वयं कही है। करते व्रत जो कथा को सुनना या फिर पढ़ना चाहिए। विधि विधान से किंतु व्रत की सारी ही रीत निभाइए। शिव और शक्ति दोनों का मिलता है आशीर्वाद। भोलेनाथ सदा सुनते हैं भक्तों की फरियाद। शिव चरणों में शीस झुकाते हंस राज रलहन। दियस पालन कर दिया भक्तों पावन कथा का वर्णन। फौजी सुरेश बिसमिर शारदा लिखते जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ को जिसमें मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं।
की तुम पोत्री थे पिछले जन्म में तुम जो सती, मेरा अपमान न सहने हुआ है। भड़क उठी मेरी क्रोध की ज्वाला, मैंने यज्ञ विध्वंस कर डाला। दंडित किए हैं पिता तुम्हारे, फिर मुझसे हारे। क्षमा याचना उन्होंने जो की, कर दिया क्षमा उन्हें मैंने भी। किंतु विरह तुमसे हो गया है, हम तो चले कैलाश पे आए, पर तुमको हम भूल न पाए। तुम फिर बनी हिमालय पुत्री, धरती पर उतरी। पिछले जन्म में आपका नाम हुआ सती है, राजा हिमालय की पुत्री अब जो पार्वती है। समय फिर जब है आया, ब्याह आपका करना चाहा। पिता आपके चाहते हैं, उनको भाते हैं, किंतु आपने लिया ठान है, मुझको ही पति लिया मान है। आपके प्रिय एक सखी जया है, परामर्श दिया है। तुम अज्ञात स्थान पे जाकर रेत एक शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ का ध्यान लगाना, करके उन्हें मनाना। वही सखी तुम्हें वन में लाई, सच्ची उसने प्रीत निभाई। जान न पाए पिता तुम्हारे, खोज कर तुमको हारे। वन में आकर आप तो फिर हो गई तप मेली, कठिन तपस्या। पार्वती ये फल है उसका, और हरताल का तीज भी आए, हो गया हम दोनों का विवाह। है बरसों से जो आपकी चाह सच।
हरतालिका तीज का आया उसी व्रत की करने का फल शीघ्र मिल जा। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय। जब हरतालिका तीज है आती यही कथा तो कहीं सुनी जाती शिव और पार्वती का पूजन हरतालिका तीज के दिन होते प्रसन्न जो भोले पार्वती महिलाएं भी सौभाग्यवत भोलेनाथ जैसा वर देना तीज माता कृपा कर देना। ये हरतालिका तीज कहानी मानी जाए सदियों पुरानी पावन पर्व ये माना जाता आयु बढ़ाता यही परंपरा रही हमारी बड़ी महान भारतीय नारी फौज सुरेश भी यही कहता और कहती है ज्योति तिवारी हंस राज रिल हंस सुनता कथाएं हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर।
बोले नमः शिवाय।
वाहन साजे। ओम जय शिव जय।
हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा सुहानी है। हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा सुहानी है। किया तपस्या अनजल कुछ ना लेती, अनजल कुछ ना लेती। पर्वत राजा हिमांचल की पार्वती थी बेटी, 12 वर्ष तक किया तपस्या अनजल कुछ ना लेती, अनजल कुछ ना लेती। महादेव हो और उनके मन में ये ठानी है, महादेव हो और उनके मन में ये ठानी है, मन में ये ठानी है। हरतालिका तेज व्रत की पावन कथा सुहानी है। हरतालिका तेज व्रत की पावन कथा सुहानी है। बेटी की ये दशा देख हिमांचल घबराए, इसी बीच नारद जी उनसे मिलने को आए, उनसे मिलने को आए। बेटी की ये दशा देख हिमांचल घबराए, इसी बीच नारद जी उनसे मिलने को आए। तेज व्रत की पावन कथा सुहानी है। हरतालिका तेज व्रत की पावन कथा सुहानी है। राजा हिमांचल से कहते हैं देवर्षि नारद जी, पार्वती संग शादी को विष्णु भगवान है राजी, विष्णु भगवान है राजी। राजा हिमांचल से कहते हैं देवर्षि नारद जी, पार्वती संग शादी को विष्णु भगवान है राजी, विष्णु भगवान है राजी। खुश हो के राजा हिमांचल भर दे हामी है, खुश हो के तेज व्रत की पावन कथा सुहानी है। हरतालिका तेज व्रत की पावन कथा सुहानी है। तेज व्रत की पावन कथा सुहानी है। हरतालिका तेज व्रत की पावन कथा सुहानी है। जपनी
लगी वो शिव शिव छोड़ा दाना पानी है, जपने लगी वो शिव शिव छोड़ा दाना पानी है, दाना पानी है। हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा सुहानी है, हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा सुहानी है। तीज व्रत की पावन कथा सुहानी है, हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा सुहानी है। मांगा वर पाई, मांगा वर पाई। हरिता
कालिका की कृपा से उनकी हुई सगाई। पार्वती व्रत करके ही मुँह मांगा वर पाई। तीज व्रत की पावन कथा सुहानी है। हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा सुहानी है। तीज व्रत की पावन कथा सुहानी है। हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा सुहानी है।